Good morning, all of you. Today we will start. Yesterday we have done KVL, KCL. Today we are starting Wheatstone Bridge. Wheatstone Bridge. Wheatstone Bridge हमारे पास क्या होता है? देखिए. अब हम क्या करेंगे कि कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हम डिस्कस करेंगे. जैसे आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है. सेकंड हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास पोटेंशियोमीटर क्या है. तो इनके लिए सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये यूज क्या है इनका, ठीक है. कि व्हाई डू वी यूज व्हीटस्टोन ब्रिज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट. तो सबसे पहले क्यों यूज करते हैं, वाई डू वी यूज, सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन करना है. मैं आपको बता रही हूँ कि हम भी ऐसे ही स्टडी करेंगे, आपको भी इनको ऐसे ही एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी यूज व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर. सेकेंड थिंग, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है इनका. थर्ड हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में कि इनका कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे हम इनको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, कैसे इनको हम वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगा के कैसे हम लोग एक व्हीटस्टोन ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट थिंग जो इनके बारे में डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्रूफ, ठीक है. जो भी इनका प्रिंसिपल है उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है. ये सारी चीजें, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड देन प्रूफ, ये सारी चीजें हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट जो है, थोड़ा सा फास्ट जाऊंगी आज, व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि ये थोड़ी सी थ्योरी ही है, आप लोग इजीली समझ सकते हो इसको. यहाँ पे प्रॉब्लम आए तो स्टॉप करके पूछ सकते हो, ठीक है. अब देखो बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है एक्चुअल में. इसको व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी जो अरेंजमेंट है वो कुछ ब्रिज टाइप की है, ठीक है. जैसे आपने ब्रिज देखा है ना, कुछ ब्रिज की शेप में हमने फोर रेजिस्टेंसेस को अरेंज किया हुआ है. Four resistances are arranged to form a bridge. जिसको हम क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं. एंड वाई डू वी यूज इट, वी यूज इट फॉर मेजरिंग द अननोन रेजिस्टेंस. की सपोज उन फोर रेजिस्टेंस में से थ्री रेजिस्टेंस हम नोन लगा दे और एक रेजिस्टेंस क्या लगा दे, अननोन लगा दे. तो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट अननोन रेजिस्टेंस वी यूज व्हीटस्टोन ब्रिज. तो यूज क्या है, फॉर मेजरिंग द अननोन रेजिस्टेंस. जो अननोन रेजिस्टेंस हम लगाएंगे, उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज. क्या होता है वो समझ आया, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है. इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंसेस अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज. इसको हमने अभी बताऊंगी डायग्राम बना के, एक ब्रिज के फॉर्म में क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है. और किस लिए यूज करते हैं हम ये व्हीटस्टोन ब्रिज, फॉर मेजरिंग द अननोन रेजिस्टेंस. कोई भी हम इन चार रेजिस्टेंस में से एक अननोन रेजिस्टेंस ले ले, तो आपको पता है तीन रेजिस्टेंसेस आपके पास नोन है, तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम इजिली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. अब देखिए, इसका जो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, इस पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ उसके लिए. देखिए कुछ ऐसा डायग्राम होगा, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, दिस इज रेजिस्टेंस P. ये आपके पास सेकंड रेजिस्टेंस है कुछ ऐसे, ठीक है. यहाँ पे एक आपने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम G ही लेंगे. यहाँ पे एक कैपिंग की लगाई हुई है और यहाँ पे आपने एक सेल से कनेक्ट किया हुआ है जिसका ईएमएफ कितना है, एप्सिलॉन. यहाँ पे आपने एक वन वे की लगाई है K1, और ये जो की है टैपिंग की K2. अब जब भी हम ये करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, द
जो हमारे सर्किट में जब करंट फ्लो करेगा तो सबसे पहले K1 को क्लोज करेंगे और फिर क्या करेंगे K2 को क्लोज करेंगे बाय टैपिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायग्राम किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब देखिए बेटा, जब इसमें से जब आप यहाँ से इसको क्लोज कर दोगे K1 को, आफ्टर दैट K2 को भी क्लोज कर दोगे, देन उस केस में ये एक कंप्लीट सर्किट होगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आपके पास P है, ये रेजिस्टेंस Q है, ये रेजिस्टेंस R है और ये रेजिस्टेंस क्या है, S है, ठीक है। तो आपके पास 4 रेजिस्टेंसेज हो गए। यहाँ पे S क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक अननोन रेजिस्टेंस हम लगाएंगे, तो दिस S इज अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये R रेजिस्टेंस क्या है, ये एक R आपके पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है, क्या है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में पता है क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस इज दैट रेजिस्टेंस हुज वैल्यू कैन बी वेरी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर एडजस्टमेंट हम क्या करेंगे, इसको वेरी करेंगे। अब देखिए, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये डायग्राम आप देख रहे हो, इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द अननोन रेजिस्टेंसेस। अब यहाँ पे एक आर्म, अगर मैं इसको नाम दे दूं, सपोज दिस इज ए है, ये बी है, ये सी है और ये पॉइंट है डी। तो यहाँ पे आपने ए बी आर्म के अंदर एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है पी, ठीक है, एंड क्यू रेजिस्टेंस लगाया हुआ है बी सी आर्म के अंदर, ठीक है, और आपने एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है ए डी आर्म के अंदर आर, और ये आर रेजिस्टेंस आपके पास क्या है, इसके रेजिस्टेंस को आप वेरी कर सकते हो, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। एंड डी सी आर्म के अंदर आपने एस रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, एंड दिस एस रेजिस्टेंस इज एन अननोन रेजिस्टेंस हुज वैल्यू यू हैव टू फाइंड With the help of this Wheatstone bridge. I hope ये clear हो गया है। आपने एक cell लगाया है जिसका EMF epsilon है, एक key है K1, दूसरी key है tapping की K2. ये clear है? अब देखो, principle क्या है इसका? सबसे पहले बात करते हैं principle की। तो principle समझाने के लिए ये diagram बनाना जरूरी था। Principle क्या कहता है? Wheatstone bridge का principle states that if 4 resistances P, Q, R and S ठीक है, are connected to form a bridge. अगर हम इन चारों को resistance को connect कर दें एक bridge form करने के लिए, तो इस bridge को हम balanced bridge बोल सकते हैं. This bridge is said to be balanced. ठीक है, कब होगा balanced? जब आपके पास, अगर ये balanced है, then आपके पास P by Q equal होगा R by S. ठीक है, ये इसका principle है कि If we are connecting the 4 resistances in the form of a bridge, then this Wheatstone bridge is said to be, if it is balanced, then ये ratio क्या होना चाहिए, fulfill होना चाहिए, ये condition fulfill होनी चाहिए, मतलब इनका जो आपस में ratio आएगा वो क्या आएगा, equal आएगा, ठीक है। और देखिए, आपके पास अगर ये तीनों known है तो आप क्या निकाल सकते हो, इस unknown resistance की value निकाल सकते हो। तो principle ये कहता है कि balanced condition में ये condition follow होनी चाहिए, तभी आप इस व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या बोल सकते हो, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोल सकते हो, ठीक है बेटा। अब देखो, ये चीज समझ आ गई। अब देखते हैं इसका प्रूफ कि हम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, P by Q is equal to R by S। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि अगर ये समझ आ गया तभी नेक्स्ट वाले सारे क्लियर होंगे, पोटेंशियोमीटर वगैरह कि ये कैसे अरेंजमेंट हमने किया है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, देखिए अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। आप भी थ्योरी क्वेश्चंस में ऐसे ही करेंगे, पहले व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हाई डू वी यूज, देन प्रिंसिपल, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में डायग्राम, एंड देन प्रूफ। प्रूफ के लिए क्या करेंगे, सपोज हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से करंट कब फ्लो करेगा, तो ये दोनों कीज क्या होंगी, क्लोज होंगी। फर्स्ट यू विल क्लोज द की K1, देन यू विल क्लोज द की K2, ठीक है। तो आपने दोनों कीज को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो देखिए, ये जो करंट सेल, ये जो करंट फ्लो करवाएगी इस सर्किट में, वो करंट कितना होगा, आई, ठीक है। ये करंट आई यहाँ ए के ऊपर आएगा, और देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, एक जंक्शन बन रहा है। तो ये आई जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस जंक्शन पे आई करंट इनकमिंग करंट है, और ये देखिए ये दो करंट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक तो ए बी आर्म में और एक ए डी आर्म में, ठीक है। ये ध्यान से समझिए, इसलिए मैंने आपको कल KVL कराया था, उस पर न्यूमेरिकल्स खुद करने के लिए बोला था। तो यहाँ पे अगर ये करंट I1 फ्लो करेगा, इस I का I1 पार्ट इसमें फ्लो कर गया बेटा, ठीक है। तो इसमें रिमेनिंग पार्ट क्या आएगा, मतलब इसमें जो फ्लो करेगा वो कौन सा होगा, I माइनस I1 फ्लो करेगा इस ब्रांच में,
यहाँ तक क्लियर है? देखिए ए पे, ए पर करंट कौन सा आ रहा है? आई, जो कि ये सेल सेंड कर रही है इस सर्किट के अंदर, ठीक है। जैसे ही ये आई करंट ए पे आया, दो ब्रांच में डिवाइड हो गया, आई वन और यहाँ पे आ रहा है आई माइनस आई वन, नो प्रॉब्लम। अब जैसे ये आई वन यहाँ पे जाएगा तो देखिए यहाँ पे ये आई वन अगेन डिवाइड होगा, क्योंकि एक पार्ट तो यहाँ इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस फ्लो करेगा, इस आई वन का दूसरा पार्ट यहाँ पे फ्लो करेगा। तो मान लेते हैं जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि दिस इज गैल्वेनोमीटर, सो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, दैट इज आई जी, ठीक है। करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर मीन्स आई वन में से एक पार्ट आई जी यहाँ अगर फ्लो कर रहा है, तो इस बी सी ब्रांच में कितना फ्लो करेगा? I1 माइनस आई जी। कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, नो प्रॉब्लम, ओके। अब देखो यहां तक इस D पॉइंट पे कौन सा करंट आया है? I माइनस आई वन तो यहां से आ रहा है, एक आई जी करंट यहां से भी आ रहा है, तो यहाँ जो इस डी सी में जो ब्रांच में करंट फ्लो करेगा वो कौन सा होगा? वो होगा I माइनस आई वन प्लस आई जी, यही होगा, कोई डाउट तो नहीं। आई माइनस आई वन तो इधर से ही आ रहा है, एक करंट और ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इनकमिंग करंट है, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो इन तीनों का सम होगा, आई माइनस आई वन प्लस आई जी, क्लियर है? देखिए जैसे ही ये आई माइनस आई वन प्लस आई जी यहाँ पे फ्लो करेगा, तो देखिए वापस से हमारे यहाँ पे बस यही हमें देखना है कि इसमें से कौन सा फ्लो कर रहा है, आई माइनस आई वन प्लस आई जी, इतना सफिशियंट है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने किया वो समझ आया? अमन आपको समझ आ रहा है? सौरभ समझ आ रहा है? क्या कर रहे हैं हम? इस आई करंट को हमने डिवाइड करते हुए चले गए हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में, ठीक है बेटा। अब देखो अब क्या करेंगे, ये हमने सारे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। अब ये देखिए P में से I1 फ्लो कर रहा है, R में से I माइनस I1 फ्लो कर रहा है, गैल्वेनोमीटर में क्या कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? IG। S में से कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? I माइनस I1 प्लस IG, और Q में से ये सारे करंट, ठीक है। अब बेटा ये देखिए A पे जब ये पूछेगा डिवाइड हो गया, ये सारी कहानी आप लिख लोगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे, ठीक है, या फिर क्रिचॉफ्स का सेकेंड लॉ लगाएंगे। क्रिचॉफ्स के सेकेंड लॉ को हम क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, सिंपली वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। कौन से लूप में? इस लूप में, ए बी डी ए, ठीक है। कौन से लूप में लगा रहे हैं? इन ए बी डी ए, ए बी डी ए लूप में लगा रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, हम ये डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे वाली, क्योंकि करंट इसी डायरेक्शन में है, तो मतलब ये डायरेक्शन कौन सी है आपकी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो सबसे पहले देखिए हम इसके अक्रॉस जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हमें जो कंपोनेंट मिला वो क्या, कौन सा मिला? एक रेजिस्टेंस मिला, तो रेजिस्टेंस मिला तो रेजिस्टेंस कितना है, इस पी रेजिस्टेंस में करंट कितना जा रहा है? आई वन, और इसका रेजिस्टेंस कितना है? पी। तो ये वी हो गया एक तरह से आई इंटू आर, ठीक है, वही है ना। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस कितना है, इसके इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस? आई वन पी, ठीक है। फिर देखिए हमें इधर जाना है इस बी डी वाले आर्म में, तो यहाँ पे देखिए गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है बेटा वो कितना है? आई जी। और देखिए जो करंट की डायरेक्शन है वही हमारे लूप की डायरेक्शन है, तो ये भी प्लस रहेगा, तो ये होगा आई जी, और इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने कितना लिया है? जी ही लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और क्या है देखिए, वापस यहाँ पे आएंगे, इधर इस डी ए की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो डी ए में देखिए करंट की डायरेक्शन वो है जो हमारे लूप के ऑपोजिट, मतलब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन देखिए नीचे की तरफ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा, ये आप सब अवेयर हो इस चीज से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, और देखिए कौन सा करंट आ रहा है इसके अक्रॉस? आई माइनस आई वन आ रहा है, आई माइनस आई वन, और ये करंट कौन सा है, सॉरी रेजिस्टेंस कौन सा है? आर। देखिए यहाँ पे कोई भी सेल हमें मिली नहीं, हमें कोई सेल नहीं मिली, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिख देंगे? जीरो। क्लियर है बेटा? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। अब सिंपली आप इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करोगे तो क्या होगा, या फिर एज इट इज रख लीजिए। अब दूसरा लूप ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे दूसरा लूप कौन सा है हमारे पास? बी सी डी बी, ठीक है। अब सेकेंड लूप लेते हैं, उसमें भी केवीएल लगाते हैं, और सेकेंड लूप हमारे कौन सा है? बी सी डी बी,
ठीक है, देखिए कैसे आ रहे हैं हम, बी सी डी बी, मतलब यहाँ पे भी हमारी डायरेक्शन क्या रहेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। तो देखो बेटा, डी से सी के बीच में हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, कौन सा, ये क्यू वाला, तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई वन माइनस आई जी करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, और रेजिस्टेंस कौन सा है, ये क्यू, ठीक है। अब देखिए आप, और कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस तो है नहीं, ना कोई सेल है, अब आ जाओ सी से डी की तरफ, तो सी से डी की तरफ आएंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या है, जो डायरेक्शन हमारे लूप की है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ये माइनस रहेगा, माइनस, और करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, एस के अक्रॉस, ये हमारे पास फ्लो कर रहा है आई माइनस आई वन, एक मिनट बेटा, आई माइनस आई वन प्लस आई जी, ठीक है, यही रहेगा, प्लस में क्या है, आई जी है, और ये करंट किसके, किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो कर रहा है, एस के अक्रॉस, तो ये हमने लिख दिया है। अब कोई और भी रेजिस्टेंस है, हाँ देखिए ये वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा, आई जी करंट फ्लो कर रहा है किसके अक्रॉस, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, और यहाँ पे भी हमें कोई सेल हमारे रास्ते में नहीं मिली है, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ जो सेल था, ईएमएफ था, उसको हम क्या रखेंगे, जीरो, क्लियर है ये। अब देखो हम क्या करेंगे, इस ये जो आर मैंने बताया था कि दिस वैल्यू ऑफ आर इज एडजस्टेबल, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, वैरी कर सकते हैं, तो उसको वैरी करेंगे, और वैरी करके हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, इतना वैरी कर देंगे जो करंट है गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वो क्या हो जाए, जीरो। समझिए फिर से, ये आर रेजिस्टेंस हमने क्या लिया है, एडजस्टेबल लिया है, सो दैट गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट अक्रॉस करे, इस आर की वैल्यू कुछ ऐसी सेट करेंगे हम, सो दैट गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है आई जी, वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। समझ आ गया, हमने इसको एडजस्टेबल क्यों लिया है, सो दैट हम इसकी वैल्यू को एडजस्ट करके आई जी के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है उसको क्या बना दे, जीरो बना दे, तभी देखिए अभी आप देख पाओगे, तभी हम क्या कर पाएंगे, इस ब्रिज को एक बैलेंस्ड ब्रिज बोल सकते हैं। तो देखिए जहां पे भी हमारे पास आई जी होगा वो टर्म जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या किया, आर की वैल्यू को वेरी किया, वेरी करके आई जी को कितना बना दिया, जीरो। तो जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन में सिंपली आपके पास क्या रह जाएगा, ये आपके पास होगा आई वन पी, ये तो जीरो हो गया क्योंकि आई जी जीरो है, माइनस आई वन इंटू आर, ठीक है, और ये कितना है, जीरो। तो सिंपली देखिए इसको आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये आपके पास क्या होगा, आई वन पी इज इक्वल टू आई माइनस आई वन आर, कोई डाउट नहीं, ओके। अब आइए सेकंड के ऊपर, इस वाले इक्वेशन पे, तो यहां से तो आपने ये रिजल्ट निकाल लिया, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे ये पूरी टर्म, यहाँ पे भी आई जी है, यहाँ पे देखिए इसमें से यहाँ पे आई जी है तो ये जीरो हो जाएगा, आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, I1 into Q, तो ये हमारे पास रहा I1 into Q, ठीक है, माइनस ये तो जीरो हो गया, ठीक है, और ये कंप्लीट भी देखिए जीरो हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में, तो ये टर्म तो जीरो हो गई, बहुत अच्छी बात है, हमें सोल्व नहीं करना पड़ा। तो ये हमारे पास है I1 into Q माइनस, ये क्या रहा है यहाँ से, माइनस में I माइनस आई वन, और देखिए ये तो जीरो हो गया, तो ये एस क्या आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, और ये आपके पास हो गया जीरो, ठीक है। अब इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में आप लेके जाओगे तो ये क्या रहा, आई वन क्यू इज इक्वल टू, ये आपके पास रहेगा क्या, आई माइनस आई वन इंटू एस, समझ आया। अब इस इक्वेशन को सेकेंड मान लेते हैं और ये आपके पास थर्ड इक्वेशन है, ठीक है, बाकी रब कर दू, अब हमें बाकी की जरूरत नहीं है, इन्हीं दो इक्वेशंस की जरूरत है। यहां तक टिंकू क्लियर है, अमन आपको क्लियर है, आप बेटा न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए, ये इन सब ने तो बहुत ज्यादा फोकस कर लिया है, इनको तो अब रट गए हैं न्यूमेरिकल्स, नहीं, ओके। देखिए अब सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए सेकेंड को थर्ड से, डिवाइड सेकेंड बाय थर्ड,
तो हमें क्या लाना है, हमें तो लाना है याद रखिए P by Q is equal to R by S, हमें ये चाहिए। तो ये कैसे आ सकता है, जब P को Q से डिवाइड करेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, तो ये है हमारे पास I1 P over I1 Q is equal to I minus I1 R over I minus I1 S। देखिए कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या आया, P by Q is equal to R by S। किसी को भी दिक्कत हो तो बता सकता है। This proves Wheatstone bridge principle। Wheatstone bridge का principle भी तो यही था ना हमारे पास, तो हमने उसका क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। This proves Wheatstone bridge principle। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करके जो हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस था एस, उसकी वैल्यू को वेरी एक्यूरेटली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सेकंड थिंग, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो इफेक्ट नहीं होगा किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स से, ये जो सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है एंड गैल्वेनोमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उससे भी आपका ये व्हीटस्टोन ब्रिज का रहेगा अनअफेक्टेड रहेगा, ठीक है। और ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इट बिकम्स वेरी सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा कब, जिस केस में आपके पास ये जो फोर आर्म्स है जो रेजिस्टेंस है इन चारों आर्म्स में वो ऑलमोस्ट क्या हो जाए, सेम हो जाए, उस केस में भी आपका ये व्हीटस्टोन ब्रिज का रहेगा सेंसिटिव रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके एक ड्रॉबैक भी है, वो क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर वेरी हाई और वेरी लो रेजिस्टेंसेस की। इन केस अगर आपके पास रेजिस्टेंस वेरी हाई आ जाए या वेरी लो आ जाए तो उस केस में हम व्हीटस्टोन ब्रिज को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बेटा, ये समझ आ गया? ओके, अब चलिए आगे। नेक्स्ट है आपके पास स्लाइड वायर ब्रिज। यहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है आपका, थ्योरी कर लेना इसकी अच्छे से। स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज, वो आपके पास क्या था, कंफ्यूज नहीं होना है, व्हीटस्टोन ब्रिज था आपके पास, ठीक है। ये आपके पास क्या है, स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज। ठीक है, इसको हम किस लिए यूज करते हैं, देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज को हमने किस लिए यूज किया था, व्हीटस्टोन ब्रिज को हमने यूज किया था टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को यूज किया था, अब सॉरी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। अब ये जो स्लाइड वायर ब्रिज है ना बेटा, या फिर मीटर ब्रिज है, इट इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म, आप ये बोल सकते हो। वो तो हमने क्या किया था, वहां पे आपको दिखाया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज हमने कैसे बनाया है। ये जो मीटर ब्रिज है ये क्या है, प्रैक्टिकल फॉर्म है किसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की, समझ रहे हो। जो व्हीटस्टोन ब्रिज हमने पढ़ा अभी, स्टडी किया लास्ट टॉपिक, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की ही प्रैक्टिकल फॉर्म क्या है, मीटर ब्रिज, ठीक है, समझ गए होंगे। जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज यूज किया था टू मेजर द वैल्यू, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंसेस, उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म क्या है, मीटर ब्रिज। क्लियर है ये, तो ये एक लाइन लिख देना। अब सबसे पहले इसका डायग्राम थोड़ा सा मैं एक बार आपको बना देती हूँ, सो देट आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद हम चलेंगे। सेंसिटिविटी का मीनिंग ये होगा बेटा कि कितना सेंसिटिव है, कितनी छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर कर सकता है, कितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू को मेजर कर सकता है। लास्ट में आपके पास एक टॉपिक है कि सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर है, तो सेंसिटिव कोई चीज वही होती है जो छोटी से छोटी चीज को भी मेजर कर ले और बड़ी से बड़ी चीज को भी मेजर कर ले, ठीक है, मतलब वो वैल्यू वेरी ना करे उसकी, ठीक है। कोई चीज अगर चेंज भी हो जाए, सपोज आप इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज हो गया, ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस से, ठीक है, इन सब चीजों से उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना आए। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये सबसे पहले बनाएंगे कैसे, यहाँ पे आपके पास ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, आप इसमें आप क्या लोगे, एक 1 मीटर की, इसको मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम 1 मीटर की
एक वायर लेते हैं, ठीक है, और इस वायर का जो एरिया होता है वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, और हम ये मेनली एक अलॉय की वायर लेते हैं, ठीक है, मैग्नीन या फिर ऑन्सनिन की। अब अलॉय की वायर क्यों लेते हैं वो आपको पता है, क्योंकि अलॉय का जल्दी से जो रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पे 1 मीटर की एक मैग्नीन या ऑन्सनिन की वायर लेंगे, तो एक वुडन ग्लोब के ऊपर क्या कर देंगे, दो एंड्स के बीच में स्ट्रेच कर देंगे। देखिए कुछ ऐसे, यहाँ पे ये आपने यहाँ से यहाँ तक आपने एक वायर को स्ट्रेच किया हुआ है, और यहाँ पे ये आपके पास कॉपर की स्ट्रिप्स है, ये आपको दिख रही है, ये कॉपर की स्ट्रिप के एक एंड पे यहाँ पे टाई कर रखा है, यहाँ पे दूसरी कॉपर की स्ट्रिप लगी हुई है कुछ ऐसे, आप लोगों ने लैब में मैंने आपको दिखाई होगी शायद ये, दिखाया है ना लैब में, देखा होगा ना, ये हमारे पास बहुत सारे मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर रखे हुए हैं लैब के अंदर। तो ये देखिए हमने कॉपर की दो स्ट्रिप्स के बीच में क्या कर रखी है, ये वायर 1 मीटर की वायर स्ट्रेच की हुई है। यहाँ पे हमने एक स्केल भी लगाया है, ठीक है, इस लेंथ को मेजर करने के लिए, ये आपके पास एक स्केल है कुछ ऐसे, अब बेटा ये थोड़ा सा हमें ये कुछ ऐसे है, ये कुछ ऐसे है, देखिए कॉपर की दो स्ट्रिप्स तो ये हो गई है, इनके बीच में गैप है, ठीक है, यहाँ पे हमें कॉपर की एक और स्ट्रिप बनाएंगे कुछ ऐसे। अब देखिए एक गैप से हमने दो गैप क्रिएट कर दिए, एक गैप ये एक गैप ये, समझ गए होगे, हम यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों गैप्स के बीच में ये कॉपर स्ट्रिप्स है मेनली, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया है, ठीक है, और रेजिस्टेंस बॉक्स आप सबने देखा है जो लैब के अंदर होता है हमारे पास, इसमें ब्लैक ब्लैक कलर की कीज होती है बहुत सारी, तो दिस इज ए रेजिस्टेंस बॉक्स जिसमें हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस है, और उनकी वैल्यू हम यहाँ पे क्या करते जाएंगे, कोई भी एक की निकाल के उसको सर्किट के अंदर यूज करते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है आपने, यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस लगाया है, ठीक है, एस वाला, इन दोनों गैप्स के बीच में, समझ आ रहा है ये कुछ। अब ये जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास कौन सा है, एस, याद रखिए ये है आपके पास पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ए से बी के बीच में आपने क्या किया हुआ है, 1 मीटर की वायर को स्ट्रेच किया हुआ है, ठीक है, और ये 1 मीटर का ही आपने क्या लगाया हुआ है, उसके ऊपर स्केल लगाया हुआ है, यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे बेटा, यहां से देखिए इस ए एंड से जो मीटर ब्रिज का ए एंड है, यहां से हमने क्या किया हुआ है, इस सेल के सॉरी इस सर्किट के अंदर ये हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएंगे इसको, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगा दी है, एक बैटरी लगा दी है जिसका ईएमएफ कितना है, ई, यहाँ से आपने एक वन वे की लगाई है, और वन वे की से होते हुए जो बैटरी का दूसरा एंड है, देखिए बैटरी का पॉजिटिव एंड तो किससे कनेक्ट है, इस कॉपर स्ट्रिप के ए पॉइंट से, और एक वन वे की से कनेक्ट करते हुए बैटरी का जो सेकेंड टर्मिनल है नेगेटिव टर्मिनल, वो किससे कनेक्टेड है, वो इस बी टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है, तो आपने ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए बेटा यहाँ पे हम एक जोकी भी लगाएंगे, जोकी आपने देखी होगी ना पेन के जैसी होती है, और उसमें कई बार देखा हो, जब मैं 12th के एक्सपेरिमेंट कराती थी तो आप लोग को दिखाती थी, कई बार आप लोग लैब में आते थे, उस जोकी के पीछे वायर हम लोग कनेक्टिंग वायर से बांध के उस जोकी को गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट करते थे, और गैल्वेनोमीटर का एक एंड यहाँ पे हम इस जो आपकी कॉपर स्ट्रिप है यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे एक कनेक्शन देने के लिए कुछ होता था, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, बी पॉइंट हो गया, दिस इज ए, अब ये आपके पास क्या है, इसको सी लेंगे हम, बताऊंगी ये भी क्यों। अब यहाँ पे हमने जोकी का एक एंड कनेक्ट कर दिया बाय यूजिंग ए गैल्वेनोमीटर, पहले गैल्वेनोमीटर में दिया गैल्वेनोमीटर, और यू कैन से गैल्वेनोमीटर का एक एंड यहाँ पे कनेक्टेड है,
गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड किससे कनेक्टेड होगा, जोकी से, जो कि आपके पास कुछ ऐसे पेन की तरह होती है, ठीक है। और इसमें हम क्या लगा देते हैं, एक्चुअली एक तरह से वायर कनेक्टेड है। तो देखिए इस जोकी को उठा के मैं क्या करूंगी, कहीं पे भी टच करूंगी इस जो वायर है आपकी, ये जो वायर है सपोज यहाँ पे मैंने कट इसको टच किया, टच करने से इसको प्रेस करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा, जब डिफ्लेक्शन क्या आ जाए, जीरो। मतलब जब ऐसे कुछ गैल्वेनोमीटर होता है ना, यहाँ पे जीरो होता है, तो जहाँ पे जीरो आएगा मतलब वहां पे वो आपकी कौन सी कंडीशन है, बैलेंस्ड कंडीशन है। तो इस जोकी की वायर होती है एक पेन की तरह, और आगे समझ सपोज आप ये कीजिए कि पेन के आगे एक मेटल का कॉन्टेक्ट होता है, ठीक है, मेटलिक प्लेट जैसा कुछ होता है, यहाँ पे भी आप इसको ऐसे स्लाइड करेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं स्लाइड वायर ब्रिज, क्योंकि इस वायर ब्रिज पे आप क्या कर रहे हो, जोकी को स्लाइड करवा रहे हो, इसलिए नल डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर के अंदर। तो इसकी वायर थोड़ी सी हम लोग लॉन्ग रखते हैं, तो इस जोकी को हम लोग कनेक्ट करवाएंगे। ये तो था इसका डायग्राम, ये डायग्राम कैसे करेंगे, ठीक है। ये सेम एप्लीकेशन है जो हमने मीटर ब्रिज बनाया था ना, कुछ ऐसे करके वो बैलेंस्ड ब्रिज बनाया था, उसी को बस हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली क्या किया है, यहाँ पे दिखा रखा है। दो रेजिस्टेंस तो हो गए, अभी दूसरा रेजिस्टेंस आप देखोगे, दो और रेजिस्टेंस कहाँ से आएंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, नो प्रॉब्लम, चले आगे। मेरा सिलेबस तो बहुत ज्यादा धीरे चलता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो की थी के उसको क्लोज कर दीजिए, क्लोज करोगे तो आपको पता है, क्लोज कीजिए। यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है, इसमें से सपोज आपने 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे इस सर्किट के अंदर क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। अब जोकी की पोजीशन को आप क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो क्या किया, ये सब तो हम लोग कर चुके हैं। अब आपने इसमें से कुछ ओम का रेजिस्टेंस बाहर निकाल दिया है, ठीक है, मान लो आपने 2 चीज बाहर निकाल दी है, इसका मतलब वो आपके सर्किट में आ गया है, 2+3 ओम निकाल दिया, मतलब 5 ओम अब आपने क्या कर दिया, सर्किट में इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। अब आप मेन क्या करोगे, इस जोकी को स्लाइड करोगे इस मीटर वायर के ऊपर, ठीक है, और जहां पे भी आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन क्या दिखाए, जीरो, मतलब नो डिफ्लेक्शन हो। तो गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन मीन्स आईजी कितना है, जीरो, ठीक है। तो आईजी जीरो है, वही हमारी कंडीशन होती थी किसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन, जिसमें गैल्वेनोमीटर आपको डिफ्लेक्शन क्या दिखाए, जीरो। तो जहां पे भी आपको गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है, जीरो पे आ जाता है, उस लेंथ को नोट कर लीजिए। सपोज यहाँ पे ये जो लेंथ है, मान लेते हैं बी, बी पे आप हमारे जोकी को लेके आए और देखा कि आपने गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ना लेफ्ट जा रहा है ना राइट जा रहा है, समझ गए ना डिफ्लेक्शन जीरो का मतलब। तो इस वायर को नोट कर लीजिए, सपोज ये वायर ए बी, यहाँ पे इस वायर पे जो ये पॉइंट है, इसको स्केल में आप मेजर करें, आप ये देखें कि ये लेंथ कितनी है। तो मान लेते हैं ये जो ए बी, बोल सकती हूँ ना ए से बी तक, क्योंकि बी पे आपने टच किया तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, तो ये ए बी लेंथ हो गई। इस ए बी लेंथ पे सपोज आपको कुछ लेंथ मिल रही है, ये 15 सेंटीमीटर हो सकती है, 20 हो सकती है, 22 हो सकती है, ठीक है, हमने उसको सिंपली लिख दिया ये कितनी है, एल सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा। अब जो ये बाकी रिमेनिंग रह गई बी सी, वो कितनी होगी, वो होगी 100 - L सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम किसी को, भाई होगी ना 100 - L सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैंने थोड़ी ना बाहर निकाले, तो डायग्राम बनाया है, वहां पे रेजिस्टेंस बॉक्स होता है बेटा, ये रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, इसमें बहुत सारी कीज लगी होंगी, ठीक है, जैसे आपके पास वन वे की देखी होगी ना आपने, इसमें ऐसे एक बॉक्स होता है आपके पास रेजिस्टेंस बॉक्स, इसमें बहुत सारी कीज होती है ऐसे करके, तो इनका मतलब होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। इन कीज का क्या है, अपना अपना रेजिस्टेंस है, मतलब इनकी अपनी अपनी वैल्यू है, ठीक है। जब तक ये सारे रहेंगे, आपने कोई भी की बाहर नहीं निकाली, इसका मतलब यहाँ पे भी कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं किया है आपने, ठीक है, इसीलिए तो इसको बोला था वेरिएबल रेजिस्टेंस, क्योंकि इसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। मान लो आपने एक की को निकाल के बाहर रख दिया, तो इसका मतलब जितनी भी अब इसकी वैल्यू है, उतना रेजिस्टेंस आपने सर्किट के अंदर लगा दिया है। फिर आपने दो एक और की निकाल दिए, मतलब अब इन दोनों के बराबर, जो मान लो ये 2 ओम का था, ये 3 ओम का था, मतलब अब कितना लग गया है, 5 ओम लग गया है सर्किट के अंदर। मान लो आपने अभी भी आईजी जीरो नहीं हुआ, तो एक और की बाहर निकाल दी, मतलब एक और जो रेजिस्टेंस है वो सर्किट के अंदर आ गया है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस को आर को क्या कर सकते हो, वेरी कर सकते हो। दिखा दूंगी टिंकू मैं, यहाँ पर अपनी लैब में है बहुत सारे रेजिस्टेंस बॉक्स, देखे होंगे ना, कॉपर जैसे कुछ है और ब्लैक कलर के बॉक्सेस होते हैं,
सबने देखे हैं, देखो सब यस बोल रहे हैं, आप ही नहीं देखे हैं। अब देखिए ये ए बी लेंथ हो गई एल और बी सी लेंथ हो गई 100 माइनस एल सेंटीमीटर, क्लियर है। अब देखिए इसी से हम निकालेंगे अपने रेजिस्टेंस पी और क्यू, कैसे निकालेंगे। जब हमारे पास विट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है तो हमारा हमारे पास कंडीशन क्या होती है, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी दैट मीन्स आर ब्रिज इज बैलेंस्ड ब्रिज, ठीक है। अब ये जो वायर ली है ना आपने, जो 100 एक मीटर की जो वायर ली है या 100 सेंटीमीटर की जो वायर ली है, उसका रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। आर इज द रेजिस्टेंस, बट ये क्या है, पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर। आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पर सेंटीमीटर, मतलब एक सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा आर, ठीक है। आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, जो मैग्नीन या कॉन्सिलिन की जो वायर लगाई है आपने ए और सी के बीच में, उसका रेजिस्टेंस है आर सेंटीमीटर। आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर पर सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, कि 1 सेंटीमीटर लेंथ का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा आर, क्लियर है ये चीज। अब हमारे पास लेंथ एल सेंटीमीटर है, अब ए बी लेंथ कितनी है एल सेंटीमीटर। अब हमें ये निकालना हो कि ए बी का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो क्या करेंगे सिंपली एल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आर से, क्योंकि एल लेंथ है एल सेंटीमीटर और एक सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है आर, तो एल सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो गया एल आर, ठीक है। तो ए बी लेंथ की जो वायर थी उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया है एल आर। ये चीज सबको समझ आई कि ये जो ए बी लेंथ आई है आपके पास एल सेंटीमीटर, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया है अगर हम इसको आर से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पर सेंटीमीटर, कि एक सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है आर, तो एल सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा एल इंटू आर, क्लियर है। इसी तरीके से जो हमारे पास बीसी वायर आई, बीसी वायर की जो लेंथ है कितनी है 100 माइनस एल, और 100 माइनस एल सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा 100 माइनस एल इंटू आर, क्लियर है। किसी को कोई दिक्कत हो। अब अगर ये मान ले कि ये रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो गया पी के, और ये रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, क्योंकि हमारे पास आर और एस तो ऑलरेडी है, और ये रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाए क्यू के, ठीक है, क्योंकि आर और एस तो आप लोगों के पास ऑलरेडी है। अब बस इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आप अपना जो हमारा प्रिंसिपल है उसको प्रूव कर पाएंगे। देखिए कैसे हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, P की वैल्यू क्या है L by R, Q की वैल्यू क्या है 100 माइनस L into R, और R आपके पास क्या है नोन, क्योंकि आपने तो आप ही ने तो इंसर्ट किया है जो भी आपको पता होगा वो, और ये आ जाएगा आपके पास S, तो R से R कैंसिल हो गया, ठीक है। S की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है अननोन रेजिस्टेंस, तो अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू क्या होगी वो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एस की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, इस एस को अगर फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा एस एल इंटू एस, और ये हो जाएगा आर इंटू 100 माइनस एल। एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये सिंपली क्या होगा आपके पास होगा 100 माइनस एल ओवर एल इंटू आर। अब देखिए बेटा ये तो आप लेंथ देख ही सकते हो ना, वहां पे मीटर स्केल पे देख ही लोगे, क्योंकि आप खुद वहां पे जब ये जो कि जब टच करोगे और जहां पे आपका गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा तो वो इजीली आप देख लोगे कि ये 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 25 हो गए, ये रिमेनिंग कितनी होगी 75। आर की वैल्यू आपको पता ही है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर है। सो बाय नोइंग द वैल्यूज ऑफ एल एंड आर, और आर भी आपको पता है क्योंकि आप ही इंसर्ट कर रहे हो, देख सकते हो 2 ओम है, 3 ओम है, 5 ओम है, कितना आपने लगाया है, तो R की वैल्यूज भी आपको पता है, L की वैल्यू भी पता होगी। L की वैल्यू पता है तो इस 100 माइनस L की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, तो सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो, और आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये अननोन रेजिस्टेंस लगाया है ये बता सकते हो कि कितने रेजिस्टेंस था इसका। सपोज हम यहाँ पे एक वायर ही कनेक्ट करते हैं मेनली, ठीक है, कनेक्टिंग वायर कोई भी कनेक्ट कर लो, आप ये बता पाओगे कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। कोई डाउट, आगे चले, अभी और भी कुछ कराना है। ये डायग्राम हम रहने देते हैं, नहीं इसको रब कर देते हैं, क्लियर है।
पूरब समझ आ रहा है? भाई रिप्लाई तो कर दे, अब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? नेक्स्ट है पोटेंशियोमीटर। कई बार तो राइटिंग कितनी अच्छी आती है ना। पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा और पोटेंशियोमीटर आपके पास क्या है? अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्या करोगे आप, पहली बात तो पोटेंशियोमीटर होता क्या है, तो ये भी क्या है, एक अपैरेटस है जिसको हम यूज करते हैं, किस लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, दो सेल्स के ईएमएफ, मान लो ये दो सेल्स है, इसका कुछ ईएमएफ है, मान लो एप्सिलॉन वन, इसका कुछ ईएमएफ है एप्सिलॉन टू, इन दोनों के ईएमएफ को अगर कंपेयर करना हो, कि हमें बताना हो कि ये कितने का है ये कितने का है, ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए तो दिस पोटेंशियोमीटर इज यूज टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, कंपेयरिंग द ईएमएफ, कंपेयरिंग द EMF of two cells, ठीक है, और तीसरा किस लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, सपोज हमें एक सेल गिवन हो, ये सेल गिवन हो एंड वी आर सपोज टू फाइंड आउट इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस R, तो इट इज ऑल्सो यूज टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस, कि आपके पास कोई सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R कैसे फाइंड आउट करोगे। These are the three applications, ठीक है, पोटेंशियोमीटर की। आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हो दो पॉइंट्स के बीच में, दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करते हो, एंड थर्ड इज इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर। अब देखिए सीबीएसई ने सिलेबस को थोड़ा सा पजल कर दिया है, पजलिंग हो गया है हमारे लिए भी, क्योंकि उसमें है कि जो पोटेंशियोमीटर है उसकी एप्लीकेशन सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया के लिए आप कराओगे, अब चाहे क्वालिटेटिव हो चाहे क्वांटिटेटिव हो, हमें तो अगर ये दे दिया कि पोटेंशियोमीटर करना है मतलब करना है, ठीक है, आप लोग भी ये समझ लीजिए कि कोई देखे कि हाँ ये सिलेबस में नहीं है तो पोटेंशियोमीटर सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे उन्होंने क्वालिटेटिव आइडिया में बोला हो कि सिर्फ आपको बताना है आपको समझाना है, लेकिन न्यूमेरिकल्स तो इसके ऊपर आएंगे, और न्यूमेरिकल्स अगर इसके ऊपर आएंगे तो हमें तो डीपली स्टडी करना ही है इसको। अब मैंने बता दिया व्हाई डू वी यूज पोटेंशियोमीटर, अब सबसे पहले पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल बताने से पहले मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ। देखिए यहाँ पे आपने क्या किया है, ये कॉपर की स्ट्रिप्स हैं आपके पास, ठीक है, कुछ ऐसे, यहाँ पे आप क्या करोगे 100-100 सेंटीमीटर्स की कुछ वायर लोगे, कुछ ऐसे 3-4-5, आपने देखा होगा ना मीटर ब्रिज में और इसमें पोटेंशियोमीटर में डिफरेंस मिलेगा, मीटर ब्रिज में एक सिंगल वायर मिलेगी और पोटेंशियोमीटर में ऐसी बहुत सारी वायर्स आपको मिलेंगी लगी हुई स्ट्रेच की हुई, तो पोटेंशियोमीटर वही है जिसमें हम लोग क्या करते हैं 3-4-5-6 क्या करते हैं 100-100 सेंटीमीटर की वायर्स को क्या करते हैं दो पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेच कर देते हैं। तो मान लो एक वायर को हमने यहाँ से और यहाँ पे स्ट्रेच कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे हमने ऊपर क्या लगाया हुआ है, एक स्केल लगाया हुआ है जस्ट लाइक दिस, मेजर द लेंथ, ये आपके पास स्केल है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट आपके पास एस है। अब यहां से हम दूसरी वायर लेंगे, और ये भी आपने कुछ दो एंड्स में क्या कर रखी है, स्ट्रेच कर रखी है Like this. समझ पा रहे हो ना बेटा? और ये यहां फिक्स कर दी है, ठीक है, देख रहे हो कितनी वायर्स हो गई, 1, 2, 3, 4, मतलब 400 लेंथ आपने कनेक्ट कर दी है, ठीक है, तो सपोज ये यहां से यहां तक की लेंथ ये है पॉइंट ए, ठीक है, यहाँ पे
पोटेंशियोमीटर की वायर का लेंथ कितना है, सो स्टार्ट होता है तो लिख सकते हैं जीरो, जीरो से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 100, अब यहाँ पे भी 100 ही होगी, 100 से यहाँ तक कितनी हो गई है 200, 200 से यहाँ तक कितनी हो गई है 300, और 300 से यहाँ पे कितनी है आपके पास लेंथ 400, ठीक है। तो चार वायर्स को आपने स्ट्रेच कर रखा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपने एक वन वे की लगाई है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, एक रियोस्टेट लगाया है। रियोस्टेट मैं आपको बता देती हूँ क्यों लगाते हैं। रियोस्टेट हम क्या किस लिए लगाते हैं, किसी भी सर्किट के अंदर अगर हमें करंट की वैल्यू चेंज करनी हो तो हम क्या करते हैं, ये रियोस्टेट यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक एमीटर लगाओगे और यहाँ से आपने क्या किया हुआ है, एक बैटरी कनेक्ट की हुई है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। और ये कुछ ऐसे होना चाहिए था आपके पास, ये है बेटा पोटेंशियोमीटर। मतलब आप समझ गए हो कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड है, ए से कनेक्टेड है, ठीक है। और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है। वहां पे भी हमने यही किया था, याद हो तो ए और बी जो आपके पास लेंथ थी उसके अक्रॉस आपने क्या किया था, एक वन वे की का यूज करते हुए बैटरी के दो टर्मिनल्स को ए और बी से क्या हुआ था, कनेक्ट किया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे समझ गए। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास क्या है, एक पोटेंशियोमीटर है, इसमें भी हम जोकी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे एक जोकी भी कनेक्ट करेंगे यहाँ पे भी। तो सबसे पहले पोटेंशियोमीटर क्या है, एक लॉन्ग कंसिस्ट करता है, लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर्स का। यहाँ पे भी ये वायर्स किसकी बनी होंगी, कॉन्स्टेंट या फिर मैग्नेट अलॉय की, ठीक है। इनको स्ट्रेच किया हुआ है एक वुडन बोर्ड के ऊपर, ये पूरा क्या है, एक वुडन बोर्ड है ये पूरा। इस वुडन बोर्ड पे हम स्ट्रेच करते हैं और ये सारे जो अपने भार लगाए हैं ये सब कनेक्शंस कनेक्ट करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो बैटरी है, एमीटर है, रियोस्टेट है और ये की है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, ठीक है। इस पूरे को क्या बोलेंगे, प्राइमरी सर्किट, क्योंकि ये हमने खुद सारा अरेंज किया हुआ है। तो इसको ये हो गया हमारा प्राइमरी सर्किट। अब यहाँ पे क्या होता है, ए और बी के बीच में हमने देखिए कितनी लेंथ की वायर स्ट्रेच कर दी है, 100, ये होगी 100, 200, 300 और 400 लेंथ की वायर को ए और बी के बीच में डिफरेंट पार्ट्स में क्या कर दिया है, स्ट्रेच कर दिया है। एक बैटरी लगाई है जिसका ईएमएफ कितना है, सपोज एप्सिलॉन है। एक एमीटर लगाया है, एक रियोस्टेट लगाया है, एक की लगाई है, ठीक है। और इन सबको कनेक्ट करके ये हमारा है पोटेंशियोमीटर। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा। तो वर्किंग प्रिंसिपल ये कहता है बेटा कि पोटेंशियोमीटर इज, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, लिखना है, इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट पोटेंशियल ड्रॉप या फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर। सपोज आपने ए से कनेक्ट किया, ठीक है, एक एंड को, और यहां पे आपने क्या लगाया, एक वोल्टमीटर ले लो, इन्होंने वोल्टमीटर लिया है। वोल्टमीटर से कनेक्ट करते हुए, वोल्टमीटर का ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है, कनेक्ट करते हुए जोकी को कनेक्ट किया और जोकी सपोज यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए जो लेंथ है वो कितनी हो गई है, एक तो ये पूरी 100 होगी, ये 200 हो गई और ये यहाँ पे सपोज ये कितनी हो गई, 250। तो दो लेंथ, मतलब जो लेंथ आपने ली है, इस लेंथ के दो एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा या पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा, इसके जो ये लेंथ है इस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ लेंथ। ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है, फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर, क्योंकि ये वायर का ही तो पूरी पोर्शन ऑफ द वायर है। ये पूरा पोर्शन कितना था, 400 का, अब ये पोर्शन कितना है, 250, ठीक है। तो पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उस लेंथ ऑफ द वायर के। समझ आ रहा है बेटा, मैं रिपीट कर रही हूं, देखिए ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस मैं लिख ही देती हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, बाद में समझाऊंगी, पहले लिख रही हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
एनी पोर्शन ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ वायर प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए एरिया क्या होना चाहिए कॉन्स्टेंट होना चाहिए दूसरा जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें से वो भी क्या होना चाहिए कॉन्स्टेंट होना चाहिए अब समझिए क्या बोल रही हूँ मैं ये बोल रहा है कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द लेंथ ये कंप्लीट लेंथ का कोई भी आप पोर्शन ले लीजिए मान लो यहाँ से यहाँ तक ले लो ये जो कि आपने यहीं पे कनेक्ट किया और यहीं पे आपको नल डिफ्लेक्शन मिल गया ठीक है तो ये पोर्शन हो गया वायर का इस पोर्शन ऑफ वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इसकी लेंथ कितनी है समझ गए पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अगर यहाँ पे अगर कनेक्ट करोगे तो देखिए दो पॉइंट्स हो गए ना एक पॉइंट तो ये और एक पॉइंट ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इस पोर्शन की लेंथ कितनी है समझ आई यस बेटा अगर नहीं समझ आया तो फिर से पूछ लीजिए ये देखिए कि आप जो वर्किंग प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का वो इस बात पे डिपेंड करता है या इस फैक्ट पे बेस्ड है कि वायर का कोई भी पोर्शन लीजिए ठीक है कंप्लीट वायर यहाँ पे देखिए 100 है अगर पूरी को देखें तो 400 आपने वायर यहाँ पे क्या की हुई है सेंटीमीटर की कनेक्ट की है इसमें कोई भी पोर्शन आप लीजिए वायर का तो आप कोई भी पोर्शन लोगे तो उसके दो पॉइंट्स तो बनेंगे ही मान लो चाहे आपने यहाँ से यहाँ तक ले लिया तो एक पोर्शन हो गया एक पॉइंट हो गया ये दूसरा पॉइंट हो गया ये तो दो पॉइंट्स के बीच में अब क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिपेंड करेगा कि उस पोर्शन ऑफ वायर की लेंथ कितनी है समझ आ गया होगा अब तो शायद प्रोवाइडेड क्या कांस्टेंट रहना चाहिए वहां पे जो एरिया ऑफ क्रॉससेक्शन है वायर्स का वो सेम रहना चाहिए सेकेंड थिंग जो करंट है वो क्या रहना चाहिए कॉन्स्टेंट अब उसी के लिए हमने यहाँ पे ये रियोस्टेट यूज किया है तो रियोस्टेट से सपोज ये करंट अगर वेरी भी हो रहा है तो रियोस्टेट से हम क्या कर सकते हैं करंट की कोई भी वैल्यू फिक्स कर सकते हैं ठीक है सो टू कीप कांस्टेंट करंट इन दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट वी आर यूजिंग रियोस्टेट ये आपसे पूछो तो आप बता सकते हो ये चीज क्लियर है प्रिंसिपल तो बस यही था अब वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा किसके लेंथ ऑफ द वायर के कोई भी आपने पोर्शन लिया है ऑफ द वायर उस पोर्शन की लेंथ कितनी है ठीक है तो देखिए ये एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू है मैं आपको बता देती हूँ आपको पता है वी इज इक्वल टू क्या होता है आई आर पता है ना और आर क्या होता है रो एल बाई ए यही होता है और यहां से अगर इसकी वैल्यू पुट करोगे तो वी इज इक्वल टू आई और ये क्या हो जाएगा आर की जगह आप क्या पुट कर सकते हो आर की वैल्यू सॉरी आर की वैल्यू क्या थी हाँ ये तो रो की वैल्यू लिख दी आर की वैल्यू रो एल बाई ए यही लिखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास रो एल बाई ए तो देखिए यहाँ पे आई आपने कांस्टेंट रखना है रो खुद क्या है एक रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल है जो खुद क्या रहती है कांस्टेंट रहती है क्योंकि आपने सारी वायर सेम मटेरियल के लिए रखी है तो रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट और एरिया को भी क्या रखा हुआ है आपने कांस्टेंट रखा हुआ है तो ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया ये पूरा टर्म तो देखिए कांस्टेंट को हटाने के लिए ही जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन रहा होगा तो वहां पे क्या आता है इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है तो देखिए V यहां से लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के तो वही तो हमने लिखा है इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करोगे तो ये आ जाएगा K ओवर L ठीक है K यहाँ पे क्या है एक कांस्टेंट है और इस K की वैल्यू अगर देखिए हमें मेनली अभी क्या फाइंड आउट करनी होगी कमिंग डेरिवेशंस में इस K की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी होगी तो K आपके पास क्या है एक कांस्टेंट है और इसको बोलते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी V by L मतलब ये देखिए वही है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ठीक है और इसको क्या कहते हैं इस के को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट और इसकी वैल्यू क्या रहेगी पर यूनिट लेंथ क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी तो ये था बेटा आपके पास क्या पोटेंशियोमीटर ये तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल था ठीक है पूरा अब हम इसकी एप्लीकेशन यूज करेंगे देखिए थ्योरी पार्ट है बहुत अच्छे से करना इवनिंग में देखते हैं कुछ हो पाता है तो थैंक यू